कल है क्या? आपको ठीक है? हाँ, तो मतलब राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है, और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला, इसीलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। आपकी सत्ता बहुत साल तक रही, जब आपकी सत्ता थी तब मैं आपके साथ था, लेकिन और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है, और इसीलिए ठीक है। तो लोकतंत्र में होता है, मतलब आप लोगों ने भी कोशिश की, मोदी साहब ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की, को न्याय देने का काम करेंगे, सभी राज्यों को न्याय देने का काम करेगी। इसीलिए हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, 5 साल होने के बाद और 5 साल चलेगी, और बाद में 5 साल चलती रहेगी। मतलब हम इतना अच्छा काम करते रहेंगे, हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारी सरकार आती रहेगी। हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुम आ जाओ, लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आने देंगे। इसीलिए ठीक बात है, मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप जैसा एक अनुभवी आदमी है, आप ज्यादा हंसते नहीं है, लेकिन मैं आपको हंसाऊंगा। तो एक देश का नाम है रोम, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं बिरला ओम। लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम, वेल में आने वालों का ब्लैक लिस्ट में डालना है नाम। नरेंद्र मोदी जी और आपका दिल है विशाल, राहुल जी आप अब रहो खुशहाल, हम सब मिलकर हाथ में लेते हैं एकता की मशाल, और भारत को बनाते और भी विशाल। आपका राज्य है राजस्थान, लेकिन लोकसभा की आप बन गए हैं जान, भारत की हमें बढ़ानी है शान, लोकसभा चलाने के लिए आप जैसा परफेक्ट है मैन, तो मेरी पार्टी मुझे आपने मौका दे दिया है। मैं लोकसभा में खड़ा नहीं था, इसीलिए मैं इधर नहीं, वो खड़ा होता था तो मैं इधर मेंबर बनता ही था, लेकिन मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, मुझे मंत्रालय दे दिया है, तो मेरी पार्टी भी मतलब आपके साथ है, मतलब अपने